सो गुड मॉर्निंग गाइज, नेक्स्ट डे की शुरुआत हो चुकी है। कल हमने ब्लॉग एंड नहीं किया था क्योंकि कल हमारा पोपट कट गया था टाइगर के नाम पे, हमारा तगड़े वाला काटा गया। बट अभी हम त्रिनेत्र गणेश महाराज जी के मंदिर जा रहे हैं, तो अभी भी हम एक जंगल के जोन से ही जा रहे हैं और ये बड़ा हैपनिंग सा जोन लग रहा है मुझे। मेरे ख्याल से 3 या 4 नंबर यही है। अच्छा, जिस हिसाब से लग रहा है ना, ये बड़ी दिखा इतनी ग्रीनरी देखना, उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं। ग्रीनरी के हिसाब से जैसे साफ है, बढ़िया है। चंदन भैया ये रहे साथ में हमारे। हेलो। फैमिली हमारे साथ नहीं है क्योंकि हम भी बच्चों को छोड़ गए हैं। अगर उनको साथ लाते तो हम 11-12 बजे से पहले तो आते ही नहीं, मतलब ही नहीं था हमारा। अभी हम सुबह 8 बजे आ गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर अब दर्शन करेंगे गणेश भगवान के एंड देन वापसी चलेंगे। और वापसी भी बहुत चीजें हैं, और फिर आज हम जा रहे हैं यहाँ से जयपुर, तो आप लोगों को जयपुर का सफर दिखाएंगे। पर उससे पहले इस ब्लॉग को एंड करेंगे और जयपुर का नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। यार ये रूट ज्यादा बेटर है, सुंदर है। हाँ मंदिर को ऐसे कर रखा हो। ये एंट्रेंस होटल वाला बता रहा था, कह रहे यहाँ पर लोकल डेली वाला जो लोकल है तकरीबन 800 से 1000 बंदे हैं जो लोकल जाते ही जाते हैं डेली दर्शन करने। हाँ डेली सुबह दर्शन करके। हाँ डेली हम सुबह सुबह आए तो हमें लगा हम ही समझदार हैं जो सुबह सुबह दर्शन करने जा रहे हैं। भाई यहाँ सुबह 8:30 बजे की भीड़ देखो, सॉरी 8:55 की। भाई हम तो दर्शन करने आए थे गणेश जी के, यहाँ तो राजा का किला भी है, सवाई माधेपुर के राजा का किला। अरे बाद में लेंगे बाबू, यहाँ हालत खराब हो गई। 150 मीटर भी चढ़े नहीं है। इतने में एक चीज समझ में आ गई कि हम तो बुड्ढे हो गए भाई। और अच्छा है हम वाइफ और बच्चों को लेके नहीं आए, नहीं तो उनको तो क्या ही जानता, हम जो जाता हमारे जाता। जय हो बजरंगबली महाराज जी की। हाँ किले में एंटर हो गए। एक्चुअली ये मंदिर जो है किले के अंदर ही है, तो किला घूम लो और मंदिर के दर्शन कर लो। भाई ये देखो यार चंदू भाई, वर्थ इट हम रात को रुक गए भाई, बहुत अच्छा हुआ रुक गए रात को, नहीं तो ये व्यू हम गवा देते। ये नीचे पार्किंग है और वो जो रोड जा रही है अंदर वो जंगल सफारी की है, एंड ये पार्ट किले का हो गया और मंदिर का हो गया। भाई रणथंभौर आओ, यहाँ जरूर आओ, मतलब मस्ट विजिट जगह है, मतलब मस्ट विजिट करो यहाँ पर, तो 100% आना भाई, छोड़ना मत इस एरिया को। देखो कितना प्यारा लग रहा है, और वो वाले जो पेड़ है उनको ऐसे देख लग रहा है कि गोवा में हम कहीं। देखो चंदन वो वाले पेड़ देखो, गोवा वाले पेड़ दिए मस्त भाई, बहुत सारे पेड़ वाले। हाँ मैं कह रहा हूँ तू लिखवा के ले ले, ये ही जोन 3 या 4 है और ये सबसे हैपनिंग जोन है। देखो इतना पानी है, इतना पानी है, तो बाघ तो आएगा आएगा 100% भाई। वो देखना ट्रैक वो बने हुए वाले, वो ट्रैक बने हुए, ये सारे जंगल सफारी के ट्रैक है, और पानी इवन पीछे भी है, पौंड पीछे भी है, तो यहाँ ये सबसे मोस्ट हैपनिंग है ये प्लेस, यहाँ तो 100% दिखता होगा भाई। भाई ये देखो ये किले का गेट जिसमें ये नोकीले ये लगा रखे हैं, ये पहले टाइम में लगाते थे ये राजा लोग ताकि कोई अटैक करे तो मतलब वो तोड़ने की हिम्मत ना करे, ये चुपते थे उनको। ओ भाई साहब ये देखो कुंड, मेरे हाथ जितना बड़ा है भाई। चंदू ये देख बहुत भारी है और मेरे हाथ हथेली बराबर है मेरे। भाई ये देखो कौन कहेगा हम पहाड़ पे। पूरा गार्डन है भाई, कौन कहेगा हम पहाड़ के ऊपर है भाई। क्या हैपनिंग जगह है यार,
ऑसम भाई, सीरियसली मैं बाबर एक ही चीज बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ कि बहुत सही उठे हैं आज सुबह हम जल्दी यार। क्या मतलब क्या किला बना रखा है यार रणथंभौर में यार, ये तो जयपुर से भी ज्यादा बेस्ट लगा मुझे तो यार, अंबेर फोर्ट से ज्यादा बेस्ट लगा मुझे यार ये, मतलब एकदम प्रॉपर उस टाइप का पड़ा हुआ है हेरिटेज, मतलब पुराने टाइप का, मतलब ज्यादा कोई इसमें वो नहीं कर रखी मरम्मत। वाह यार वाह, बहुत ही ऑसम है यार। देख पानी यहाँ तक रहता होगा पहले ऊपर तक, ये भी वो है ना बारिश नहीं है ना तो इसलिए खाली पड़ा है, नहीं तो पानी काफी ऊपर तक रहता है। हाँ नहीं ये एक्चुअल में उस टाइप का भी है जैसे नाहरगढ़ किले के अंदर भी बना हुआ है, राजा लोग जो है हाँ मतलब आर्किटेक्ट उस टाइप का बनाया हुआ है ये, वो देखना वहां पर, वहां से वो पूरा डाइव वाला सिस्टम है वो वहां से, क्योंकि तूने अगर वो मूवी देखी वो रंग दे बसंती, उसके अंदर एक सीन भी तो है वो गाने के अंदर, वो कूदते बाबा पानी में, वो नाहरगढ़ किले का ही शॉट है वो, तो वो सेम वैसा ही बना हुआ है बिल्कुल वहां पर भी। अरे बहुत प्यारा लग रहा है सीरियसली। हमारे पैसे बच गए गाइड के, जय श्री गणेश। यूनेस्को से बजट आता है रणथंभौर का, कह रहा यूनेस्को से बजट आता है। हाँ तो यूनेस्को का है जी ना, जो भी यूनेस्को के अंदर आएगा उस सबको बजट देख देते ना। हमारे पैसे बच गए हैं गाड़ी के, सो फाइनली दर्शन हो गए हैं बाबा के दर्शन किए, बहुत अच्छा है मंदिर भाई, आओ जरूर भाई दर्शन। कैसे लगे तेरे को? बहुत बढ़िया, मंदिर बढ़िया है ना अंदर? जरूर आओ भाई, बहुत औसम मंदिर है और मंदिर के बाहर ये सारी दुकानें हैं। ठीक है प्रसाद वसाद लो, अपना प्रसाद चढ़ाओ और कचौड़ी खाओ, तो बहुत टेस्टी है कचौड़ी भाई बिना लहसुन प्याज की, और बहुत मज़ा आया भाई, मतलब 1 किलोमीटर पैदल चल के आना ना सफल है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से, बहुत ही प्यारी जगह है। तो अब चल रहे हैं नीचे वापसी घर, मतलब होटल, एंड उन लोगों को उठाते हैं बच्चों को वाइफ को, फिर चलते हैं अब वहाँ जाएंगे ना एलिगेटर वाले उस जगह का नाम क्या है? नहीं पहले चलते हैं वही म्यूजियम, पहले म्यूजियम चलेगा। अच्छा हाँ वो तो सामने तो है बिल्कुल यार, अरे हम तो भूल ही गए, हमने जो नया रिजॉर्ट बुक किया है वो जस्ट म्यूजियम के सामने है, जो कल वाली वीडियो में आपने देखा होगा म्यूजियम गए थे बंद था, उसके जस्ट सामने ही है, तो अभी वहाँ जाके आपको दिखाते हैं म्यूजियम, एंड देन चलेंगे हम पालाघाट था ना उसका नाम, पालाघाट है वहाँ, मतलब क्रोकोडाइल्स का स्पॉट है पूरा, पोंड है या नदी है क्या है नहीं पता नहीं, तो वहाँ पर एलिगेटर्स बहुत घूम रहे होते हैं रोड पे, मतलब ऊपर ही, तो वो पानी में, तो वो बोटिंग है उसमें है ना, तो उसमें वो सब चीज़ें दिखाते हैं आप लोगों को चल के। तो दिगंबर जैन मंदिर भी है यहाँ पे, ये रहा यार, ये भी मतलब पुराना बना हुआ है, आज का नहीं है ये, मतलब सोच जैनियों का मंदिर भी इतना पुराना यहाँ बना हुआ है, और लक्ष्मी नारायण मंदिर ये रहा, क्या बात है यार, और ये रेनोवेशन चल रही है सारी, ऑसम। चलो यहाँ तो अंदर नहीं जा रहे, आप लोगों को बाहर से दर्शन करा दिए, अब यार जल्दी चलते हैं क्योंकि 10 बज चुके हैं, कितना टाइम हो गया? 10 बज गए और हमें फिर जयपुर भी निकलना है।